नहीं नहीं मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए, मुझे इस तरह पैनिक नहीं होना चाहिए, मुझे काम होके फिर से पूरा सिचुएशन के एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। ये बेड सिर्फ 80 सेंटीमीटर का हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इम्पॉसिबल है दो लोगों को इस बेड पर सोना। हाँ एक आइडिया आया, अगर वो मेरे हाथ पर उसकी सर रख कर सो गया तो, अगर मैं इस पोजीशन में सो गया तो 5 सेंटीमीटर गैप होगा, मुझे लगता है कि ये परफेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं इस पोजीशन को उसको हक करके सो गया तो सच में परफेक्ट होगा। मुझे लगता है कि इस पोजीशन में तुम्हें ठीक से नींद नहीं आएगा। सॉरी दरवाजा खुला था तो। तुम घर का वापस आई हो? आई जब तुम सेंडोकुन की तरह एक्टिंग कर रहे थे। तो इसका मतलब तुम मुझे पहले से देख रही हो? मैंने नॉक किया था पर तुमने आंसर नहीं दिया। मुझे लगा इस टाइम बेल बजा के पड़ोसियों को परेशान करना ठीक नहीं होगा। उसके लिए मुझे माफ करना। ओके, लेकिन तुम इतने रात को बाहर कहाँ गई हो? मैं अपनी सूटकेस लाने गई थी। कॉइन लॉकर्स अभी फ्री नहीं है, है ना? तो इसका मतलब पूरा सूटकेस को पैक करके आई है। तो इसका मतलब हम दोनों सच में एक ही रूम में सोने वाले हैं। आज के लिए मैं सो जाऊंगा। क्या है ये, क्या हो रहा है, ये वो क्या कर रही है? वो पानी पी रही है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू कार्डिनल वाइट 2.0। मैं हूँ वेंकट साई और आप सबको ऑलरेडी पता है कि हमारा कार्डिनल वाइट का पुराना चैनल डिलीट हो गया था, तो मैं फिर से सारा एनिमेस को रीअपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ फिर से शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करवा दो यार। ओके वेल गाइस, थैंक्स यू फॉर सपोर्टिंग अस। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में।